हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं स्प्लिट एसी है समसम कंपनी का। इसका कंप्लेन हमारा है गर्म हवा देता है, ठंडा नहीं देता है। तो हमने भी इंडोर में चेक किया तो ठंडा नहीं होता है, तो आउटडोर में हमने आकर के चेक किया। आउटडोर में हमने चेक किया, गैस तो इसमें फुल है, गैस हमारा नॉर्मल है। इसका प्रॉब्लम हमने चेक पाया, ये थोड़ा टाइम स्टार्ट होता है, थोड़ा टाइम चलता है, फिर ये ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि थोड़ा टाइम स्टार्ट होकर चलता है फिर बंद हो जाता है। गैस भी हमने चेक किया तो गैस इसमें देख सकते रहे नॉर्मल हमारी भी स्टैंडिंग में है, गैस हमारा फुल है। यानी कि इसमें गैस है लेकिन थोड़ा टाइम स्टार्ट होता है बंद हो जाता है। उसके बाद हमने इसको खोल करके कवर वगैरह खोल करके हमने एम्पियर चेक किया है, तो एम्पियर हमने यहाँ एम्पियर कवर वगैरह खोल कर हमने चेक किया तो एम्पियर जो स्टार्ट होता है थोड़ा टाइम में तो हाई एम्पियर जाता है, जैसा कि देख सकते रहे हाई एम्पियर जाता है। हाई एम्पियर जाने के बाद ये ट्रिप हो जाता है, देख सकते हैं। जैसा कि अभी एम्पियर देख सकते हैं 20 के ऊपर जा रहा है हमारा, ये 20 एम्पियर के ऊपर जा रहा है और ये चलता है थोड़ा टाइम 1-2 मिनट। अभी देखिए सामने ट्रिप हो गया, देखिए अभी ये बंद हो गया, ऑफ हो गया है। और गैस भी इसमें देखिए गैस हमारा नॉर्मल रहता है और ये थोड़ा टाइम स्टार्ट हो, थोड़ा टाइम चला और ये बंद हो गया। जैसा कि देख सकते गैस भी हमारा जो है वापस अभी आ रहा है, देख सकते हैं गैस हमारा जो रनिंग हुआ था थोड़ा टाइम चला था फिर अभी गैस हमारा वापस आ रहा है। तो क्या क्या रीजन हो सकते रहेंगे इस तरह से हमारा जो स्टार्ट होता है थोड़ा टाइम चलता है हाई एम्पियर जाता है और गैस हमारा छोड़ देता है, गैस इस तरह से वापस आ जाता है यानी कि नॉर्मल स्टैंडिंग प्रेशर में आ जाता है। ये वीडियो में यही सब के बारे में जानने वाले, एक एक पार्ट्स वगैरह चेकिंग के बारे में जानने वाले। इस तरह से हाई एम्पियर लेता है, हाई एम्पियर लेकर के ट्रिप हो जाता है तो क्या क्या रीजन हो सकते रहेंगे। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके। आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे ये हमारा जो है आउटडोर का पूरा कवर खोला हुआ है, हमने चेक किया है, इसको आइडेंटी किया है। तो यहाँ पर जैसे कंडेंसर फैन है, कंडेंसर फैन हम इसको घुमा रहे हैं तो जाम हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे स्टार्ट हो गया है कंप्रेसर, यहाँ पर स्टार्ट हो गया, एम्पियर देख सकते बढ़ रहा है लेकिन कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है। इसका प्रॉब्लम है कंडेंसर फैन मोटर जाम है, नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से एम्पियर जो है ज़्यादा जाता है, ज़्यादा जा करके कंडेंसर फैन नहीं चलता, हाई प्रेशर में जा करके ये ट्रिप हो जाता है। इसके अंदर जो HP स्विच लगा हुआ हाई प्रेशर में जैसा कि देख सकते हैं ट्रिप हो गया अभी, और कंडेंसर फैन जो इसका नहीं चलता है ये जाम है। मेन इसका रीजन हमने यही पाया है ये कंडेंसर फैन मोटर का प्रॉब्लम है। तो अभी हम आप लोग को सामने प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कंडेंसर मोटर खोल करके इसको रिपेयर करके बैरिंग जो है क्या जाम है, क्या जाम है, क्या प्रॉब्लम है मोटर का, उसको रिपेयर करके वापस हम चालू करके दिखाने वाले हैं किस तरह से इसको रिपेयर करेंगे खोलेंगे। देख सकते हैं सामने का जाली रहता है, इसको खोलने के लिए मोटर को खोलने के लिए जो है सामने का जाली इसको खोल देते हैं और देख सकते घुमा रहे हैं तो देख सकते हैं जाम है, मोटर चल नहीं रहा है, ये ब्लेड स्टक हो जाता है। तो इसको खोलने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट है, 4 बोल्ट है इसको मोटर के बेस का है, तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे स्पैनर की मदद से, या स्पैनर है या कोई सा भी टूल्स है आपके पास आसानी तरह से वहाँ से खोल लेंगे। तो इसका कनेक्शन वगैरह भी देख सकते रहेंगे, यहाँ से जो कनेक्शन है इसको हम कनेक्शन को खोल लेते हैं, पावर को ऑफ करेंगे, पावर को ऑफ करने के बाद कनेक्शन वगैरह जो रहता है आप पूरा डिस्कनेक्ट कर लेंगे, निकालेंगे। इसको देख सकते हैं इसको कनेक्शन जो है इसमें कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर जो सेम टू सेम है, इसमें हम कनेक्टर को पुश टाइप है यहाँ से पुश करके खींचेंगे ये निकल जाएगा आसानी से, और निकलने के बाद यहाँ से हम खोल सकते हैं। खोलने के लिए देख सकते हैं आगे जो ब्लेड है, ब्लेड के आगे यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, ये नट हमारा उल्टा खुलेगा, यहाँ देख सकते रहेंगे ये हमारा उल्टा खुलेगा, यहाँ से हम खोल लेते हैं, खोल करके इसको हम निकालेंगे और एक एक बार देख सकते रहेंगे आपको पूरा अच्छी तरह से प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते रहेंगे हम देखिए यहाँ से है, तो हम यहाँ से दोनों हाथ से थोड़ा हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, स्टॉप करके हम दोनों हाथ से यूज करके खोल करके दिखाते हैं। देख सकते रहेंगे हमने खोला और यहाँ पर खींच करके निकाल लिया है, तो थोड़ा जाम आता है फर्स्ट टाइम हम खोलेंगे थोड़ा जाम आएगा, लेकिन अब दोनों हाथ से हम आसानी से काम कर सकते हैं। देख सकते रहे मोटर घुमा रहा हूँ तो इस तरह से साफ देख रहे हैं जाम हो जा रहा है, नहीं चल रहा है, तो मोटर का बैरिंग का प्रॉब्लम है, ये जाम हो गया था। इसको खोलने के लिए देख सकते हैं हमारे पास नट ड्राइवर है 8 नंबर का, या आपके पास और भी कोई बॉक्स बना है जो जो आपका सुविधा है खोलने के लिए, तो हमें किसी तरह से बोल्ट जो रहता है खोल लेना है। बोल्ट खोलने के बाद यहाँ से जो बेस रहता है बेस से उसको मोटर को निकाल लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ से मोटर को निकाल लिया है साफ से,
ये बेस ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको अभी आप लोग को रिपेयर करने के लिए दिखाते हैं। देख सकते हैं हमारा मोटर जो पूरा हमने निकाल लिया है, ये हमारा बेस इस तरह से कुछ खाली में स्प्लिट ऐसे आउटडोर लगेगा। इसको खोलने के लिए देख सकते रहेंगे हमारे पास यहाँ पर स्पेनर है, स्पेनर की मदद से हम स्टार है इसको बॉडी को खोल लेते हैं। और खोलने के बाद देख सकते रहेंगे हम इसको किस तरह से रिपेयर करते हैं, एक एक पार्ट्स अगर आप देख सकते रहें किस तरह से खोलते हैं रिपेयर करते हैं। ये वीडियो हम आप लोग को पूरा नहीं दिखाने वाले, अगर ये सब का पूरा एक पार्ट्स हम अच्छी तरह से ये भी दिखाने लगेंगे तो ये वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। आप जानना चाहते हैं इस तरह से हमने किस तरह से रिपेयर किया है अच्छा तरीके से प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, इसके बारे में हम आप लोगों को पूरा जो है मोटर खोलने के बैरिंग चेंज करने के बारे में हम बता देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका बैरिंग जो हमने चेंज कर दिया है, अभी मोटर हमारा फ्री हो गया है, शाफ्ट फ्री हो गया है, वापस हम यहाँ पर बेस में लगाते हैं। लगाने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा जिस तरह से हमने खोला था, यहाँ से देख सकते अंदर लगाएंगे और उसका नट जो रहता है चारों साइड से हम इसको अच्छी तरह से बेस जो इसको अच्छी तरह मजबूत टाइट कर देंगे। अगर नहीं टाइट करेंगे तो हाई स्पीड में चलता है, लोड आएगा तो अनबैलेंस होगा, ब्लेड वगैरह लिफ्ट जो रहता है टूट सकता है, तो इसको हम अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे, श्योर कर लेंगे। देख सकते अभी हमारा फ्री है, शाफ्ट घूम रहा है, इसका प्रॉब्लम यही था बैरिंग का प्रॉब्लम था, बैरिंग खराब था तो हमने बैरिंग चेंज कर दिया है, चेंज करके रिपेयर करके वापस हम यहाँ पे शाफ्ट को लगाया है। इसको लगाने का तरीका देख सकते रहेंगे, यहाँ पे कटआउट रहता है शाफ्ट का, वो देख करके हमें अच्छी तरह से मैच करके ही लगाना है, नहीं तो लिफ्ट जो है नहीं घुसेगा इसमें, जो कटआउट रहता है सेट हो जाएगा कटआउट में लगाएंगे तो। तो आप देख सकते रहेंगे इसको आप, मैं एक ही हाथ से लगा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आप दो हाथ से लगा के आसानी से आप काम कर सकते रहेंगे। आप लोग को दिखाने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप वीडियो जरूर लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। और भी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें जिससे और इस तरह से वीडियो बनाए तो हम लोग पे भेज सके। देख सकते हैं अभी हमारा रेडी हो गया है, शाफ्ट फ्री हो गया है, फैन ब्लेड देख सकते हैं फ्री घूम रहा है, कनेक्शन वगैरह भी हमने वापस जिस तरह से पड़े था कनेक्शन भी हमने कर दिया है, देख सकते हैं कनेक्शन भी हमारा रेडी है, फैन भी घूम रहा है रेडी है, यानी चलने के लिए रेडी है हम यहाँ, तो कनेक्शन करके हम स्टार्ट कर दिया। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि हम इंडोर स्टार्ट करते हैं तो हमें 4-5 मिनट का टाइम लगता है ऑन होने के लिए। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं, देखिए स्टार्ट हो चुका है। गैस देख सकते रहेंगे हमारा 60 PSI के आसपास है, 60-70 के आसपास है, और सक्शन जो रिटर्न भी हमारा ठंडा हो रहा है, और यहाँ फैन भी देख सकते रहेंगे, फैन भी हमारा रनिंग कर रहा है, कंडेंसर फैन भी रनिंग कर रहा है, पहले रनिंग नहीं हो रहा था जिसकी वजह से हाई प्रेशर जा रहा था, हाई प्रेशर जाने की वजह से एम्पियर भी बढ़ रहा था, एम्पियर बढ़ रहा था हाई प्रेशर पर, ये ट्रिप हो रहा था, कट ऑफ हो रहा था, मेन रीजन इसका कंडेंसर फैन का ही प्रॉब्लम था। तो अभी एम्पियर भी देख सकते रहें, एम्पियर भी अभी नॉर्मल है, ये भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा धीरे धीरे रनिंग होकर के आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा एम्पियर ज़्यादा रहता है तो धीरे धीरे रनिंग होगा, नॉर्मल हमारा आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जरूर जाने सीखने को मिला है किस तरह फैन खोलते हैं या फॉल्ट को पकड़ते हैं, चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये शूटिंग भी आ रहा है, रिटर्न भी आ रहा है, अभी अच्छा कूलिंग हो रहा है। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जाने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जाने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें कि आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे जैसा सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, दे सके। आप लोग भी नए टेक्निशियन, नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।